सृष्टि जब ब्रह्मा जी या महापरम पुरुष काल की अवधि में भगवान का आगमन हुआ, जो कि एक ब्रह्मांड को धारण किया, उसका उसमें से जब निकल करके भगवान आए शेष नाग की सैया पर सवार, शयन करते करते हजारों वर्ष, नाभि से कमल दल का निकलना, ब्रह्मा जी का विराजमान हो जाना, उस ब्रह्मा की सृष्टि में जो ब्रह्मा जी को अधिपति बनाया गया, नाना प्रकार के ऋषियों का आगमन, नाना प्रकार, लेकिन देखिएगा जिसको भी यह उत्पन्न करते वो मना कर देता है सृष्टि करने के लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को ही अधिपति बनाया है सृष्टि करने का, और ब्रह्मा जी की सृष्टि में नाना प्रकार से रुद्र सृष्टि को पहले किया, सनकादिक आदि ऋषियों को उत्पन्न किया है, अविद्या नाम को उत्पन्न किया नारी को, या पर कर्दमा आदि ऋषि नारद जैसे बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुषों को, सप्तऋषियों को उत्पन्न किया है, लेकिन सभी ने मना कर दिया है। और जब सभी ने सृष्टि करने से मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने स्वरूप के दो भाग किए हैं, बाएं अंग से शत्रुपा को, दाहिने भाग से मनुजी महाराज को उत्पन्न किया और मैथुन सृष्टि करने का आदेश दिया। ध्यान रखना है, मनुजी के द्वारा जब मैथुन सृष्टि हुई है तो उनके यहां 5 संतान हुई है, 3 कन्या हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति। उनके यहां पर 2 पुत्र हुए हैं, प्रियवत और उत्तानपाद। सूजी महाराज ने प्रश्न किया है, गुरुदेव यह ब्रह्मा जी ने जिन ऋषियों को उत्पन्न किया क्या उन्होंने उनकी सृष्टि में सहयोग किया? बड़ा सुंदर कहना है यार, सनकादिक ऋषियों को सुखदेव स्वामी, और यहां पर सुत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं सनकादिक ऋषियों को, लेकिन अब तो सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर कहना है, राजा परीक्षित कर्दमा ऋषि, कर्दम ऋषि, इन्हें कर्दमा कहा जाता है, कठोर तपस्या करके भगवान ने वरदान देने के लिए जब आए तो वरदान दिया है, दर्शन दिया है, लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि में सहयोग करने के लिए जब भगवान ने कहा तो उन्होंने बोल दिया है, प्रभु जी आप मुझे ऐसा वरदान दो मैं आपकी सृष्टि में सहयोग तो करूंगा, लेकिन मेरे यहां पर आप पुत्र बन करके आए। भगवान ने कहा तथास्तु, और बता दिया भैया आज से ठीक 3rd दिन देवहूति को लेकर के तुम्हारे आश्रम पर मनु जी आएंगे, वह सुकन्या सुंदर सुशील आपके योग्य हैं, और आज वही आश्रम का बड़ा सुंदर संयोग, बहुत सुंदर सफाई, बहुत अच्छी देखभाल, और ये मनु जी महाराज पधारे अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम मुनि के आश्रम पर, तो अतिथि देवो भव। कर्दम जी ने बहुत सुंदर स्वागत किया है, बहुत अच्छी तरह से मनाया। देवहूति का बड़ा सुंदर भाव है, 3 आसन डाल दिए हैं, 3 आसनों पर देवताओं की भांति उन्हें आमंत्रित किया गया है, लेकिन यह मनु जी ने शत्रुपा ने आसन को ग्रहण कर लिया, लेकिन देवहूति आसन को ग्रहण नहीं करती। माताओं को विशेष ध्यान देना इस प्रसंग पर, खड़ी है बेचारी। कर्दम जी ने कहा देवी आपके लिए आसन है, आप भी विराजमान हो जाइए, बैठिए ना। देवहूति फिर भी खड़ी है। अब सतपुरुषों का बड़ा सुंदर कहना, देवहूति आसन को ग्रहण क्यों नहीं करती है? क्योंकि देवहूति किसे कहते हैं महाराज, ध्यान देने की बात है। क्या देवहूति कौन माताएं होती हैं? जिनके अंदर सतबुद्धि होती है, जिस जो कि अपनी सतबुद्धि के द्वारा मंत्र की आहुति से देवता को प्रसन्न कर लेती है, देवताओं को प्रसन्न करने वाली, भगवान को प्रसन्न चित कर देने वाली, जान लेने वाली, वह होती है देवहूति। ऐसी माताओं को देवहूति कहा जाता है, और देवहूति ने यह ध्यान में रख लिया और जान लिया कि यही मेरे पति बनने वाले। अब बात यह होती है कि विवाह से पहले यह मान लिया कि यही मेरे पति बनने वाले हैं, और मेरे पति के द्वारा यह बिछाया हुआ आसन है, अगर मैं इस आसन पर बैठ जाऊंगी तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए नहीं बैठी। अब विद्वान लोगों का ये कहना और होता है, भैया पति के बिछाए हुए आसन पर देवहूति बैठेंगी तो नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है नारी तो भी नरक में जाना पड़ता है। बड़ी समस्या आ गई साहब, यहां जाओ तो कुआ और इधर जाओ तो खाई,
इधर कूदोगे तो भी मरना है और इधर कूदोगे तो भी मरना है, प्राण संकट में कैसे बचना है। वहां पर तो कोई सत्पुरुष नारी देवभूति बच सकती है ऐसी अवस्था में। और देखिएगा बड़ी सुंदर बात है, देवभूति उस आसन पर नहीं बैठ रही है, समझने की बात है। लेकिन अगर आज की बात की जाए, मैं आज की देवभूतियों को देख रहा हूं और देखू ना, वहां तो आसन पर नहीं बैठ रही है बेचारी, लेकिन मैया आज की देवभूति कैसी है बता दू। वह तो आसन की बात है, केवल आसन पर नहीं बैठा जा रहा है। और आज की देवभूतियों को देखू ना मैं, अगर पति देव बिस्तर भी लगा देना तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से लेट जाए। बिस्तर भी अगर लगा दे तो कोई बात नहीं है, बड़े आराम से। तो पति देव रसोई में चाय बना करके पिला देते ना देवी जी को, तो सर का दर्द बंद हो जाता है। दवा काम नहीं करती है, लेकिन पति की चाय काम कर देती है। बार बार जन्म जन्म आपके जैसा ही पति दे परमात्मा मुझे, बहुत अच्छी बात। जब चाय बना करके पिला रहे हैं तो कभी कभी भोजन की भी मदद कर देते हैं तो मैडम जी बहुत अच्छी। 100 जन्मों तक बस यही पति देव हमको मिले ऐसी। लेकिन यहाँ पर एक आसन पड़ा है, नहीं बैठ रही है आसन को भी, लेकिन यहाँ समस्या है। पति का कहना है बैठ जाओ, अगर नहीं बैठेंगी तो भी नरक में जाना है और बैठ जाएंगी तो भी नरक में जाना है। इसलिए सतबुद्धि देवभूति है यह बचने को उपाय जान लिया है। पति का आग्रह है बैठ जाओ, इसलिए अपने सीधे अंगुष्ठ का नाखून उस आसन पर रख दिया और आसन के सट करके जमीन में बैठ गई नीचे। पतिदेव को इशारा कर दिया, आपके हाथों से बिछाया है इस पर नहीं बैठूंगी, लेकिन आपकी आज्ञा स्वीकार है, बैठ जाती हूं। भगवान कर्दम जी समझ गए योग्य हैं यह या परीक्षा थी देवभूति के लिए कर्दम मुनि की, और उस परीक्षा में सफल हो गई, इसलिए विवाह होने में कोई संकट नहीं आया। कर्दम जी को मनु जी ने कहा, सुनो भैया आपसे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं हम, लेकिन यह देवभूति है तो यहां भी कोई कम नहीं है, ध्यान देने की बात है। यह देवभूति है, माता है तो यहां भी कम नहीं है। इनका नाम है कर्दम, और कर्दम जी ने बोल दिया है मैं विवाह करने के लिए तैयार तो हूं, अपनी पुत्री से पूछ लो। मैं विवाह होने के तुरंत बाद एक सतपुत्र होते ही सन्यास लेकर के वन में चला जाऊंगा। अब मनु जी तो घबरा गई, हुआ नहीं सन्यास की बात पहले करें, अब किसी लड़के वाले लड़के को देखने के लिए जाएं और वहां जाकर के वो लड़का बोल देता भैया मैं तो सन्यास लेकर चला जाऊंगा, घर लड़की वाले तो वैसे ही भाग जाएंगे। जब सन्यास ही लेना है तो फिर शादी क्यों करनी है। और यहां पर तो सोच है पुत्री की तरफ देख रहे हैं क्या करना है, तो सन्यास किया। देवभूति ने कह दिया मुझे ऐसे ही जितेंद्रिय पति की आवश्यकता है, जो कि विषयों से नहीं भगवान ठाकुर जी के चरणों में प्रीति रखता हो, जो विषयों के गाम भगवान के चरणारविंद में प्रेम करने वाला हो। और यह कर्दम है, कर्दम किसे कहा जाता है ध्यान देना है, उस पुरुष को कर्दम कहते हैं। कर्दमन जिसने अपनी प्रत्येक इंद्रिय का दमन कर रखा है उस पुरुष को कर्दम कहा जाता है। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद ठीक तुरंत ही विवाह होते होते ही संध्या बंदन हुआ, और संध्या बंदन होते ही 40 वर्ष तक समाधि में चले गए मामुनी कर्दम। शादी होने के बाद पत्नी से तो बात नहीं की, 40 वर्ष की समाधि संध्या बंदन में ही समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई है तो अब तो पत्नी बेचारी पति की सेवा करते करते दुर्बल शरीर हो गया, जर्जर हो गया, लेकिन पति की सेवा में परिपूर्ण था। और जब ध्यान छूटा पूछा कौन है आप, देवभूति ने कहा प्रभु जी मैं आपकी पत्नी हूं देवभूति। और कर्दम जी को बड़ा सोच हुआ है, बेचारी को मैंने बहुत कष्ट दिया है साथी होते ही, लेकिन आज अपनी योग शक्ति के द्वारा एक जलाशय प्रकट किया, एक विमान तैयार किया, और उस जलाशय में आज स्नान करके दोनों निकल करके आए, दोनों की बड़ी सुंदर तरुण अवस्था हो गई, और विमान में बैठ करके लोक लोकांतरों का भ्रमण करने के बाद लौट करके सर्वस्व सुख प्रदान किया है देवभूति को कर्दम जी ने। और लौट करके आश्रम पर पधारे हैं तो उनके यहाँ पर नौ कन्या नवदा भक्ति का स्वरूप है, यह नौ कन्याएं प्रकट हुई है। और भैया ये ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं दोनों, देवभूति ने भगवान को मनाया एक
और जब भगवान ने दर्शन दिया तो माता देवभूति ने कह दिया, भगवान आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान चाहिए, क्या? आपके जैसा पुत्र। भगवान ने कहा, मेरे जैसा पुत्र तो फिर मैं ही हूं, अपने जैसा पुत्र मैं कहां से ढूंढ करके लाऊंगा? अरे मेरे जैसा मैं ही हूं ना, इसलिए माता मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं ही तुम्हारे यहां पर तुम्हारा पुत्र बन करके आ रहा हूं। और देखिए इधर कर्दम जी को भी वरदान था, आप मेरे यहां पुत्र बनकर आएंगे, इसलिए बहुत सुंदर अवसर आ गया है। भगवान कपिल के रूप में माता देवभूति के यहाँ पर पधार गए, प्रेम से बोलेंगे कपिल भगवान की जय। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये कपिल जी बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इनका बहुत सुंदर संन्यास बढ़ता जा रहा है, ब्रह्मचारी का रूप धारण है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए केवल ध्यान मुद्रा में रहते हैं। यहाँ पर यह कन्याएं बड़ी हो गई हैं, कर्दम जी को तो लालसा होने लगी, अब कन्याओं का विवाह भी होना चाहिए भाई। जब लालसा लग गई है ना, तो ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के आ गए और 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में, जिनमें श्रेष्ठ नारी अत्रि मुनि को अनसुईया नामक कन्या प्रदान की है, अरुंधति नामक कन्या को वशिष्ठ जी को अर्पण किया है, आदि सारी बड़ी सुंदर सुंदर जैसा वर जिसके लायक है उसी हिसाब से ब्रह्मा जी ने सभी कन्याओं को सुयोग्य वर प्रदान किए। और विवाह होने के बाद में माता पिता प्रसन्न हो गए, पुत्री आगे घर चली गई, अब तो चिंता समाप्त हो गई है। इसलिए आज कर्दम जी ऋषि ने बड़े सुंदर भाव से कह दिया अपने पुत्र के पास में जाकर के, बेटा मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं। एक बात और बताई गई है शास्त्र के विधान में, जब हमारा पुत्र हमारे कंधे के बराबर का हो जाता है और अगर लायक होता है तो हर पुत्र को हर पिता का भाव होना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने से पहले पुत्र का परामर्श ले लिया जाए। मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, यह शास्त्र कह रहा है, हर पिता का धर्म है। पुत्र अगर लायक है, पिता की बात को समझता है तो, और नालायक है तो नहीं, नहीं तो गड़बड़ कर देगा, फिर तो गड़बड़ कर देगा, और लायक है तो धर्म बनता है। इसलिए संन्यास लेने से पहले कपिल भगवान के पास में जाकर के कर्दम जी ने बोल दिया है, पुत्र मैं संन्यास लेना चाहता हूं। भगवान ने बोल दिया, पिताजी संन्यास से बड़ा तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, और इसमें आप अगर संन्यास लेकर जा रहे हैं तो मैं प्रसन्न हूं, मुझे कोई आपत्ति कोई कष्ट नहीं। लेकिन यहां पत्नी के पास आकर के आज कहा है कर्दम मुनि, देवी मैं संन्यास लेना चाहता हूं। और जब पति ने पत्नी से कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तो देवभूति ने कह दिया है तो फिर मैं भी संन्यास लेना चाहती हूं, और दोनों ही संन्यास लेकर के चलेंगे। लेकिन कर्दम जी ने कहा है, देवी संन्यास पत्नी को साथ में ले जाकर नहीं होता, संन्यास आश्रम संन्यास धर्म क्या होता है? संन्यास धर्म उसे कहा जाता है जो कि अपने देह गेह की ममता को भी भुलाकर केवल निर्भय वन में विचरण करता हुआ ठाकुर जी के निमित्त होता है, उसे कहते हैं संन्यास धर्म, वह संन्यास धर्म होता है। और मैं अगर आपको साथ ले जाता हूं तो संन्यास कहां नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। अब तो रोने लगी, आप मुझे नहीं ले जाओगे तो फिर मेरा क्या संसार में? और रो रो करके आज विलाप करने लगी, चरणों को पकड़ लिया, स्वामी एक नारी को जानते हो कि बिना पुरुष के एक नारी की प्रधानता में तथा क्या होती है संसार में, और रो करके आज देवभूति कह रहे हैं, जिस समय भगवान राम वन के लिए जा रहे हैं ना तो सीता को समझा रहे थे, देवी या तुम्हारे सास ससुर हैं सब हैं, आप यहां रहकर इनकी सेवा करो। तो माता सीता ने एक ही बात को कहा था, प्राणनाथ हे भगवान, न केवल आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं, आप कहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा को टाल तो नहीं सकती हूं, लेकिन एक सर्वस्व सुख जीवन का मेरा एक भाव मेरे जीवन का आप, मैं आपको बताए देती हूं, आप मान लीजिएगा। वह ध्यान से सुनो, वही बात आज कर्दम जी मुनि से देवभूति ने कह दिया है, प्राणीना मोको सुख नाही, मेरे जीवन में जब तक नाथ जी जब तक स्वामी सुख नहीं मिलेगा
प्राणनाथ तुम बिन जग माही, तुम बिन जग माही मो को सुखद कतो पर छुनाही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप तो चले जाओगे तो मुझे सुख कैसे मिल जाएगा। आज के युग में पति पत्नी से कहते हैं छोड़ जाऊंगा तुझे, चला जाऊंगा। उस पत्नी को पूछो जब उसका पति छोड़ने की बात करता है तो उसे क्या, उसके हृदय पर क्या बीतती होगी। संयोग होता है जोड़े का, जीवन का, नारी का और पुरुष का, यज्ञ का, दक्षिणा का। और जब कोई पुरुष कहता है किसी नारी से छोड़कर चला जाऊंगा तो कितना कष्ट होता होगा उसे, क्योंकि उसके जीवन के सानिध्य में उसके माता पिता ने छोड़ा था उसके लिए। और रो रही है आज माता सीता भगवान की जोड़िया। प्राणनाथ प्राणनाथ तुम बिन जग माही मो को सुखद कतो कर चुनाई। प्राण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे। और कहा स्वामी जी बिन दे हर नदी बिन वारी, नदी बिन वारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे हे नाथ नारायण। आपके जाने पर मुझे सुख की बात कहते हो, मुझे चैन सुख मिलेगा। जीवात्मा के निकलने के बाद शरीर कितना प्यार करने वाले होते हैं इससे बेकार होता है, अपना नहीं होता। बिना बारी के, बिना जल के, सिंचाई के द्वारा पौधा नहीं हो सकता, बारी नहीं हो सकती। ऐसे ही समाज में, संसार में बिना पुरुष के नारी की कोई प्रधानता नहीं होती स्वामी। अब करदम जी मुनि ने बड़े सुंदर भाव में समझाना प्रारंभ किया है। आप मेरा संकल्प अधूरा छोड़ना चाहती हैं। मैंने संकल्प लिया था एक सतपुत्र होने के बाद मैं संन्यास ले जाऊंगा। मैं विभूति ने कहा मैंने मना नहीं किया है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आप बताएं तो सही। करदम जी ने कहा देवी नारी के जीवन की तीन प्रधानता होती है, ध्यान देना। और वो तीन प्रधानता होती है उसी में जीवन यापन करना होता है उसे। पहली प्रधानता होती है उसका बचपन जो माता पिता की, पिताजी की देखरेख में व्यतीत होता है। और दूसरा होता है जवानी, जिसका मालिक पति होता है, वह पति की देख रेख में व्यतीत होता है। और तीसरा होता है बुढ़ापा, उस बुढ़ापे का सहारा तो लायक पुत्र लाठी बन करके करता है। और वह तीसरा जो प्रारब्ध होता है वह पुत्र के समर्पण होता है। हर पुत्र को यह जिम्मेदारी होती है उस माता पिता का सहारा बन करके उसका पालन किया जाए। इसलिए मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़कर जा रहा हूं, मेरा ही अंश स्वरूप पुत्र आपका जो मैं आपके समर्पण करके जा रहा हूं। देवी आपका पुत्र कपिल बहुत ही विद्वान है, लायक है, हर पल आपकी सुरक्षा करेगा वह। और करदम मुनि ने देवभूति को बहुत अच्छी तरह समझा करके वन के लिए प्रस्थान कर संन्यास लेकर के वन में नाना प्रकार से बड़ा आनंद लिया। देवभूति ने सोचा क्यों ना पुत्र के पास में जाकर कुछ देखूं, और कपिल जी के पास में आकर के बहुत सुंदर बात को कह दिया है, बैठ गई है। कपिल जी ने माताजी को देखा, आकर के देखा, मां कुछ पूछना चाहती हूं ना मुझे। हां पुत्र, केवल मुझे इतना बता दो कि जीवन में सबसे बड़ी प्रसन्नता कब मिली। मुझे यह बता दो पुत्र कपिल, मैं इन इंद्रियों को विषय देते देते थक गई हूं, नया नया विषय या मुझसे मांगती हैं, सच्चा आनंद कहां मिलता है, सच्चा सुख कहां पर मिलता है, आप मुझे यह बता दो। भगवान कपिल ने मुस्कुरा करके कहा मैया
सच्चा आनंद तो एक ही जगह पर रहता है, नित्यानंद बह रहा है ना, जिसे यह जीव सोचे हुए कि आनंद मिल रहा है, घर में, परिवार में, पत्नी में, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, बिजनेस आदि में जो आनंद है ना माँ, यह तो प्रारब्ध है, लेकिन अंत में यह विष के समान लगने वाला होता है। इसलिए सच्चा आनंद तो केवल एक ही जगह बहता है माँ, वह है आनंद स्वरूप परमात्मा के श्री चरणों। थोड़ा सा बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान देवहूति को समझा रहे हैं और यह बता देना चाहते हैं माँ, जीवन में भक्तियों के द्वारा जीव ने भगवान को पाया है, नवदा भक्ति का श्रेष्ठ ज्ञान देकर के देवहूति के जीवन का कल्याण किया है। और बता दिया सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने जीवन में एक सतगुरु बनाना, और जब तक जीवन में सतगुरु नहीं मिलता तब तक भगवान भी नहीं मिलते हैं। इसलिए देवहूति ने कहा मैं किसे गुरु बनाऊं पुत्र? भगवान कपिल कहते हैं माँ सबसे बड़ी पापनी हो तुम जो कि तुम्हें गुरु नहीं मिल रहे। गुरु किसे बनाया जा सकता है? जो ज्ञानी है, जो ज्ञान देने वाला है, जो कि हमें जच रहा है, जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। गुमाने अंधकार, रूमाने प्रकाश, अंधकार नष्ट कर जीवन का ठाकुर जी के चरणों में बसा देने वाला होता है गुरु। और देवहूति कह रही है कि मुझे गुरु नहीं मिल रहे हैं, कपिल के जैसा प्रकांड विद्वान गुरु सामने बैठा है और देवहूति कह रही है गुरु नहीं मिल रहे हैं, पुत्र है तो क्या? और आज देवहूति जान गई इस बात को, मैं संसार में भटक रही थी लेकिन मेरा पुत्र से बड़ा गुरु मुझे कहाँ मिलेगा। और इसलिए साक्षात अपने पुत्र से ही वह सुंदर प्रकाश ज्ञान लिया और भव सागर को पार कर दिया। आगे यहां उसकी बाद में ध्यान रखना है कि उद्धार किया कपिल जी भगवान, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते रह गए, इनका वंश देवहूति का स्थगित हो गया। आगे इनकी दूसरी जो पुत्री थी आकूर्ति, उनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ है, बहुत अच्छा। इनके यहाँ पर यज्ञ दक्षिणा नाम से पुत्र और एक कन्या हुई है, जिस यज्ञ को मनु जी ने गोद रख लिया था। यज्ञ के रूप में स्वयं भगवान नारायण और दक्षिणा के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी जी का अवतरित हुआ था, इसलिए देवताओं की सहमति से इनका विवाह कराया गया। यज्ञ दक्षिणा, इन दोनों का बड़ा संयोग है, यज्ञ भगवान का स्वरूप है, दक्षिणा उनकी पत्नी का नाम है, शायद आपको यह पंडित लोग बताते भी होंगे। और दूसरी बात का ध्यान रखना है, बड़ी सुंदर भाव से इनके यहाँ पर आदि संतोष 12 पुत्र हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से आकूर्ति का परिवार बढ़ता हुआ चला गया। इनकी तीसरी कन्या हुई प्रसूति, और ध्यान रखना यह प्रसूति का जो विवाह हुआ है यह महा प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ है। इनके यहां पर 16 कन्या हुई है, 13 कन्याओं को धर्म को दे दिया अग्नि, एक कन्या अग्नि देव को, एक कन्या पुत्रों को, एक कन्या जिनका नाम है माता सती, इनका विवाह भगवान अलक भंडारी महादेव भोलेनाथ के साथ हो गया। एक बात मैं आपको और बता दूं, यह दक्ष जो है, यह दक्ष को ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, और ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजातियों का अध्यक्ष पद दे दिया। आज के जमाने में थोड़ा सा पद किसी को मिल जाता है बहुत बड़ा अहंकारी हो जाता है, बहुत बड़ा अहंकारी। लेकिन ध्यान रखना है यहां पर प्रजातियों का अध्यक्ष पद मिला है, बहुत बड़ा अहंकार हो गया और एक बहुत बड़ी सभा का सम्मेलन किया, सारे देवता गण इस सभा में आकर के विराजमान हुए। लेकिन जब यह दक्ष महाराज का आगमन हुआ है ना इस सभा में, तो सभी ने खड़े होकर के इनके लिए स्वागत किया। दो प्राणी, एक तो भगवान महादेव जी और एक उनके पिता ब्रह्मा जी, यह खड़े नहीं होकर के स्वागत कर रहे हैं। तो दक्ष ने देखा यह तो मेरे पिताजी हैं, लेकिन यह तो मेरा दामाद है शंकर। बताओ जमाने भर में लाखों और हजारों ने प्रणाम किया, उसकी कोई प्रसन्नता नहीं है, लेकिन एक आदमी अगर प्रणाम नहीं करता है, प्रसन्न नहीं, एक आदमी प्रणाम नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ा दुख हो गया जीवन में।
और हजारों लाखों ने प्रणाम किया, कोई प्रसन्नता नहीं। एक आदमी ने नहीं किया है, एक जीव एक